सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अक्सर घर पर काम करते हुए जल्दी जल्दी में हम बालों से परेशान होकर चूड़ा बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, और कई बार तो आलम ये होता है कि ऑफिस में भी दिन भर काम करते हुए थक कर आप बालों को जूड़ा बनाकर रख देती हैं। आपकी ये आदतें आपके बालों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, जानती हैं आप? एक रिसर्च में ये सामने आया है कि बालों को देर तक कसकर जूड़ा बनाए रखने की वजह से हेयर फॉल की समस्या में इजाफा हुआ है। इस वजह से लड़कियां हेयर फॉल की जल्द ही शिकार हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में जरा और भी तफसील से। बालों में खिंचाव की वजह से जड़ों को जो नुकसान होता है उसे ट्रैक्शन एलोपीशिया नामक बीमारी कहा जाता है। जिमनास्ट, तैराक और बैले कलाकारों को इस समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर वक्त उन्हें अपने बालों को बहुत कसकर बांधना पड़ता है। ब्यूटी एक्सपर्ट की माने तो जब आप इलास्टिक की मदद से अपने बालों को बांधते हैं तो आपके बाल टूटने फूटने लगते हैं, और जब आप अपने बालों को लगातार बांध कर रखते हैं तो तनाव से बालों के कूप या फॉलिकल को नुकसान पहुंचता है और आपके बाल अंततः गिर जाते हैं। आइए जानते हैं जूड़ा हेयर स्टाइल से होने वाले बालों को नुकसान किस किस तरह के हैं और कौन से हैं। बात करेंगे पहले नुकसान यानी कि रूसी की। बालों को हमेशा बन हेयर स्टाइल बनाने से बालों में रूसी होने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जूड़ा बनाने से हमारे स्कैल्प में ऑयल आ जाता है जिससे रूसी हो जाती है। बात करेंगे अब जुओं की। हमेशा बालों को बांध कर रखने से बाल ऑयली तो होते ही हैं, इसी की वजह से बालों में गंदगी जमा हो जाती है, और जब गंदगी जमा हो जाती है तो जुएं होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बात करेंगे अब कमज़ोर बालों की। बालों में जूड़ा बनाने से बाल अक्सर खिंच जाते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं और बाल कमज़ोर भी हो जाते हैं। बात करेंगे बालों की बदबू की। बालों को हमेशा बांधने से बालों में बदबू आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जूड़ा बनाने से हमारे बालों को हवा नहीं लगती। बात करेंगे अब रूखे बालों की। बालों को बांधने से उनके रूखे होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए बालों को हमेशा बांध कर ना रखें। बात करेंगे अब दो मुँह बालों की। बालों में हवा न लगने की वजह से और साथ ही साथ जूड़ा बनाने की वजह से बाल दो मुँह हो जाते हैं, इसीलिए आप भी आज से जूड़ा बनाना बिल्कुल बंद कर दें। तो अभी हमने आपको बताए वो टिप्स जिनकी मदद से आप अपने बालों को टूटने से बचा सकते हैं। इन टिप्स के अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप अपने बालों को टूटने से बचाने के लिए हमेशा ढीली चोटी ही बांधें। ऐसी चीज़ों का बालों में इस्तेमाल करें जो धातु की ना हो, रबड़ की ना हो। वैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बालों को बांधने के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित तरीका हो सकता है। अगर आपको अपने बालों को बांधने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना ही है तो उसे बहुत टाइट ना बांधें। इसके बजाय अपने बालों को मोड़कर एक ढीला सा जूड़ा बना सकते हैं और उसे खुलने से बचाने के लिए एक हल्की सी क्लिप लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आपके बाल गीले हों तो उन्हें बांधने से बचें। गीले बालों में इलास्टिक बैंड लगाने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस वजह से बालों में कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने बालों को खुला रखें, खासकर सोते समय, ताकि तकिए पर सिर घुमाते हुए आपके बालों का घर्षण ना हो और वो टूटने से बच जाएं। तो अभी हमने आपको बताया कि जब आप अपने बालों को ज़्यादा देर तक बांध कर रखते हैं या फिर जूड़ा बना कर रखते हैं तो आपके बालों को इस वजह से किस किस तरह की समस्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी, और आप भी अगर टाइट चोटी बनाती हैं, टाइट जूड़ा बनाती हैं तो ये आदतें अब से बिल्कुल छोड़ देंगी। तो ऐसी ही कुछ खास जानकारी के साथ, खास टिप्स के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।